जब से नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, ये नफरत की राजनीति उन्होंने शुरू कर दिया है। कभी तीन तलाक, ये मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, कभी हिजाब पर जो है मसला उठाते हैं, लेकिन आज जो है हमारे वक्त के कानून में बदलाव करना चाहते हैं। तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसी की जाति प्रॉपर्टी नहीं है। जिसे जैसे मान लिया जाए, हम हिंदू भाइयों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है, उसमें से 1 बीघा ज़मीन हमने अल्लाह के राह में दे दिया, तो वो किसी हिंदू का या किसी मुसलमान का या कोई कब्जा किया हुआ वो ज़मीन नहीं है, वो अल्लाह के नाम से दे दिया गया, वो प्रॉपर्टी अल्लाह की है। और इसमें जब वोटिंग हो रहा था तो हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने मोदी जी के वक्फ बोर्ड के खिलाफ में, मोदी जी के सपोर्ट में उन्होंने वोटिंग किया। मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी न हिंदू का है, न सिख का है, न ईसाई का है, ये प्रॉपर्टी अल्लाह की है, जो लोगों ने वक्त कर दिया, अल्लाह के नाम पर दे दिया। जो कहा है कि मुस्लिम जिस पर हाथ रख देता है वक्त प्रॉपर्टी हो जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये किसी का कब्जा हुआ कि क्या वह प्रॉपर्टी तो नहीं है। ये हाथ रखना या नहीं रखना, ये तो बेकार की बातें वो करते हैं। वो एक्चुअल में अडानी और अंबानी को ये जो है उनके लिए काम कर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड की जहाँ भी प्रॉपर्टी है वो कब्जा करना चाहते हैं और अडानी को वो देना चाहते हैं। और दूसरी बात, ये नफरत की राजनीति जो आज उन्होंने शुरू किया है, मैं ये बता देना चाहता हूँ देश के हिंदू भाइयों को भी कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार कर रहे थे और वहाँ बटोगे और कटोगे नफरत फैला रहे थे, तो वहाँ झांसी के हॉस्पिटल में जो मासूम बच्चे, नवजात बच्चे जो आग में झुलस रहे थे, वो याकूब मंसूरी ने अपने 2 बच्चों को खो दिया, उनके 2 बच्चे इंतकाल कर गए, वो मर गए, मगर कितने घरों का चिराग बुझने से उसने बचा दिया। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भोपाल में एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी जो एक खाई के नीचे गिर गई थी, तो वहाँ पे वारिस खान नाम का एक आदमी अपने फैमिली के साथ वो बाइक से जा रहा था, उसने देखा कि एक गाड़ी एक्सीडेंट हो चुका है और उसमें लोग फंसे हुए हैं, तो उसने कोई जात नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, उसने अपना इंसानियत का फर्ज अदा किया और वो अपनी फैमिली को अपने बाइक के पास खड़ा करके वो खाई के नीचे उतरता है और गाड़ी के शीशे को तोड़कर उसने उन 7 हिंदू भाइयों और बहनों को गाड़ी से निकालता है। तो क्या ये हम मुसलमान हैं? हम लोग नफरत करने वाले कौम नहीं हैं, नफरत करने वाले कर रहे हैं। मैं तमाम हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि देखो, ये हिंदुस्तान है, हमारे बगैर तुम नहीं रह सकते, तुम्हारे बगैर हम नहीं रह सकते। जैसे ये 2 आँख है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, अगर 1 आँख अगर फूट गया तो लोग हमें काना कहेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल है सर कि आप हिंदू नफरती चिंटुओं को क्या कहेंगे और अंधभक्तों को क्या कहेंगे? अंधभक्तों को यही कहेंगे कि इन लोगों ने जो जय श्री राम के अलावा ये लोग कुछ जानते नहीं है। हम उन लोगों को यही कहना चाहते हैं कि कम से कम राम जी के उपदेश को पढ़ो, राम जी के उपदेश को जब पढ़ोगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि राम जी तुमको अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारने के लिए उन्होंने तरीका बताया है। और राम के नाम पर किसी को लिंचिंग कर देना, किसी को मार देना, किसी के घर में आग लगा देना, दलित और आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब कर देना, ये धर्म नहीं कहता है, ये राम जी का उपदेश नहीं है। तुम लोग राम जी के नाम को कलंकित करते हो, मैं यही कहना चाहता हूँ।